और मुझे पता है कि जो गायनोकोमेस्टिया पेशेंट होते हैं वो किस किस चीज़ से सफ़र करते हैं। वो कॉन्फिडेंस एंड वेरी लो इस्टीम होता है उनमें। जब मेरा गायनोकोमेस्टिया था सो काफ़ी सोचा था, काफ़ी रिसर्च करी, बिकॉज ये बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में, कराएं या नहीं कराएं, कहाँ पर कराएं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो तुरंत ही करा लें। काफ़ी अच्छा फील होता है एंड आई रिगेन माई कॉन्फिडेंस एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स टू डॉक्टर अमित गुप्ता एंड हिज टीम। वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, द फॉलोअप हियर इज़ वेरी गुड कंपेयर टू एनी हॉस्पिटल्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आबिद नाथ। आज मेरी सर्जरी को 6 मंथ्स हो चुके हैं। आज जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है जो उस टाइम था अभी काफ़ी बढ़ गया है। मैंने भी जब मेरा गायनोकोमास्ट किया था काफ़ी सोचा था, काफ़ी रिसर्च करी, बिकॉज ये बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में, कराएं या नहीं कराएं, कहाँ पर कराएं, फाइंड आउट करना, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना। आफ्टर सो मैनी रिसर्च एंड सो मैनी सर्चेज ऑन गूगल आई फाउंड डॉक्टर अमित गुप्ता एंड देयर फीडबैक एंड रिव्यूज ऑन गूगल एंड यूट्यूब। आई डिसाइडेड टू गो विद द डॉक्टर अमित गुप्ता। सो आई हैव डन माई सर्जरी विद डॉक्टर अमित गुप्ता इन डिसम्बर 2022। जैसे कि 6 मंथ हो गए हैं तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है और मुझे पता है कि जो गायनोकोमेस्टिया पेशेंट होते हैं वो किस किस चीज़ से सफ़र करते हैं। वो कॉन्फिडेंस एंड वेरी लो इस्टीम होता है उनमें कि फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम सकते, रनिंग नहीं कर सकते, टी शर्ट वगैरह तो पहन ही नहीं सकते। तो एंड कहीं आपको स्कूल में जाना है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें टाइम बर्बाद ना करके आपको डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि करा लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ सेफ। अगर आपको ये ग्रेड वाइज होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, आफ्टर 1 or 2 days आप अपने घर जा सकते हो सर्जरी के। यू कैन स्टार्ट योर डेली रूटीन आफ्टर 3 or 4 days। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी 2-3 days का बेड रेस्ट रहता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो तुरंत ही करा लें। काफ़ी अच्छा फील होता है एंड आई रिगेन माई कॉन्फिडेंस एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स टू डॉक्टर अमित गुप्ता एंड हिज टीम एंड ऑल्सो द फॉलोअप इज़ वेरी गुड। द वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, द फॉलोअप हियर इज़ वेरी गुड कंपेयर टू एनी हॉस्पिटल्स। So I suggest Divine Cosmetic Surgery for gynecomastia surgery because in Delhi NCR it is the best hospital, I can say.